ए तथा बी के आयु का योग बी प्लस सी के आयु के योग से 12 वर्ष अधिक है, तो ए से सी कितना वर्ष छोटा है? हमको पता है कमी का मतलब माइनस, वृद्धि का मतलब माइनस, अधिक या अंतर का मतलब माइनस, तो सिर्फ माइनस से हम लोग काम चला लेंगे। बोलता है कि ए और बी का आयु का योग, ए तथा बी के आयु का योग बी तथा सी के आयु के योग से 12 वर्ष अधिक है, कमी अधिक अंतर वृद्धि, चारों का मतलब माइनस होता है। कमी अधिक अंतर वृद्धि का मतलब होता है माइनस, यानी ए प्लस बी, बी प्लस सी में अंतर कितने साल का है? 12 साल का है। ये माइनस इसको माइनस और इसको भी माइनस करेगा, तो लिखिए ए प्लस बी माइनस सी बराबर में 12, प्लस माइनस खत्म, ए माइनस सी 12। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ए और बी के उम्र में 12 साल का अंतर है, और जो पहले है, हाँ, ए और सी के उम्र में कितने साल का अंतर है? 12 साल का, और जो पहले है वो बड़ा है और जो बाद में है वो छोटा है, तो ए सी से 12 वर्ष बढ़ा है, तो ए सी से कितना वर्ष छोटा है? ए सी से कितना वर्ष छोटा है? 12 वर्ष छोटा है। आंसर 12 साल। ए प्लस बी के आयु का योग बी प्लस सी के आयु के योग से 12 वर्ष अधिक है, इन लोग अधिक था तो इसलिए पहले लिख दिए। इन सब का मतलब होता है माइनस लिखना, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ए और सी में 12 वर्ष का अंतर है, यानी आप कह सकते हैं कि ए और सी का उम्र में डिफरेंस जो है ना वो 12 साल का है। तो पूछा गया था कि ए सी से कितना वर्ष छोटा है, तो कितना साल छोटा होगा? 12 साल छोटा होगा। ए से सी कितना वर्ष छोटा है ये पूछा गया है, तो ए से सी कितना साल छोटा होगा? 12 साल छोटा होगा। ए से सी छोटा होगा 12 साल। रमेश, महेश तथा अमित की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है, 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2-3-4 है, तो अमित की वर्तमान आयु कितना है? देखिए, तीन लोग हैं और 10 साल पहले बात कर रहा है, अभी बोल रहा है कि इनकी आयु का योग 93 साल है, मतलब अभी इन लोग 93 साल के हैं। ये जो रेशियो दिया जा रहा है वो 3 साल पहले दिया जा रहा है। रेशियो कितना साल पहले दिया जा रहा है? 3 साल पहले, तो 10 साल पहले वर्ष, हाँ 10 साल पहले, तो 10-10 साल सब न कम हो जाएगा। तो अभी जो आपका अनुपात दिया हुआ है रमेश, महेश और अमित, रमेश, महेश और अमित, ये है 2x में, ये है 3x में और ये है 4x में। जब 10-10 साल तीनों के पीछे जाएंगे ना, नहीं 10-10 साल तीनों पीछे जाएंगे तब जा कर के ये योग बनेगा 2:3:4। 10 साल पीछे जाएंगे तब, तो 10 साल जोड़ेंगे तो वर्तमान पर आ जाएंगे। तो आइए, तो ये 2x है, इसमें 10 साल जोड़ेंगे तो अभी का आएगा, ये 3x है, इसमें भी 10 साल जोड़ेंगे तो अभी का आएगा, और ये 4x है, 10 साल जोड़ेंगे तो ये अभी का आएगा, और अभी मिला के इन लोग सब कितने साल का है? 93 साल का। 10, 20, 30 प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, तो 4, 3, 7 और 2, 9x, और 30 उधर भेजिए 63, तो एक्स का वैल्यू 9×7=63। आपसे पूछा गया है अमित की वर्तमान आयु, तो एक्स का वैल्यू 7 साल, तो अमित पूछा है तो एक्स का वैल्यू 7, तो 7×4=28 साल का ये था, लेकिन कब था? 10 साल पहले। तो 10 साल पहले अगर ये 28 साल का था तो अभी कितना होगा? 38 साल का होगा, ऑप्शन डी। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका में रमेश, महेश और अमित का रेशियो है 2, 2, 3 और 4, तो हम रेशियो पर ही डायरेक्ट चले जाएंगे, हमारे पास जो कुछ दिया रहेगा उसको हम लेके चलेंगे। ये जो रेशियो है तीन लोगों का रेशियो है, और तीनों का है 10 साल पहले का है, और ये जो वर्तमान उम्र है 93 साल, तो 93 साल अभी है, तो तीन लोग जब 10 साल पीछे जाएंगे तो 30 साल ना पीछे चले जाएंगे, तो हमको रेशियो का तुलना रेशियो से करना है। तो ये तीनों मिला करके 10 साल पहले 4×3=7 और 2×9 रेशियो में थे, अभी इन लोग 93 साल का है,
तो 10 साल पीछे जाएंगे तो 3 गो का उम्र कितना साल पीछे चल जाएंगे, 30 साल। तो 30 साल पीछे जाएंगे तो 93 साल का अभी है, तो 30 साल पीछे कितना होगा, 63 साल का। 30 साल पीछे रेशियो बन रहा है 9 और इन लोग का बन रहा है 63, क्योंकि 93 में से 30 घटाएंगे तो 63। तो 9 रेशियो का वैल्यू 63, तो 1 रेशियो का वैल्यू 7, तो 4 रेशियो का वैल्यू 7 चौका 28। तो 28 हुआ लेकिन ये 10 साल पहले था, तो 28 और 10 अभी कितना होगा, 38 साल का होगा और आंसर होगा ऑप्शन डी। तीन वर्ष पहले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी, एक शिशु के जन्म के बाद आज औसत आयु वही रह जाती है, तो शिशु की वर्तमान उम्र क्या है। सबसे पहला चीज कि औसत में संख्या से गुना करने पर टोटल निकल जाता है, औसत में संख्या से गुना करने पर कुल निकल जाता है। तो अभी कह रहा है ना कि 3 साल पहले 5 लोग, तो 3 साल पहले 5 लोग यानी 3 × 5 = 15 साल तो पहले बात कर रहा है वो। 15 साल पहले एक परिवार का उम्र, तो ये आइए पहले, तो 15 साल पहले एक परिवार का उम्र, मैंने कहा कि औसत में संख्या से गुना करने पर उनका टोटल उम्र आता है, तो एक परिवार का उम्र 17 साल, तो 5 परिवार का 17 × 5 = 85 साल। लेकिन 85 साल 17 × 5 = 85, 85 साल कितना है, 3 वर्ष पहले एक परिवार की 5 परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी, एक शिशु के जन्म के बाद आज उसकी औसत आयु वही रह जाती है, तो शिशु की वर्तमान उम्र। देखिए मैंने बोला था कि ये उम्र है, जितने साल बढ़ेंगे सब बढ़ेंगे या जितने साल घटेंगे सब घटेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि 3 साल पहले 5 परिवार, तो 3 × 5 = 15 साल, 15 साल पहले। अब मैंने औसत में संख्या से गुना करने पर बोला कि कुल आता है, तो 17 × 5 = 85 साल के थे कब, 15 साल पहले, तो 15 साल पहले 85 साल के थे, तो अभी कितने साल के हैं, 100 साल के हैं। कितने लोग हैं, 5 लोग। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। अब कह रहा है कि एक शिशु का जन्म होता है और जन्म के बाद उनका औसत वही रह जाता है, तो औसत कितना था, 17। तो कुल निकालने के लिए अभी मैंने बताया कि कुल निकालने के लिए संख्या में औसत से गुना करते हैं, तो पहले 5 लोग थे, 1 बच्चे का जन्म हुआ, तो 5 और 1 = 6 लोग हो गए, लेकिन औसत वही रह रहा है यानी 17 के 17 ही रह गया। तो उम्र कितना हुआ, 17 × 6 = 102 वर्ष के हो गए, तो 6 लोग मिला के 102 साल के हैं और 5 लोग मिला के 100 साल के हैं, तो उस बच्चे का उम्र कितने साल का हो गया, 2 वर्ष का हो गया। तो शिशु कितने साल का है, 2 साल का। 3 साल पहले 5 लोग, तो 3 × 5 = 15 साल, उम्र 17 × 5 = 85 साल का था, तो 85 साल थे 15 साल पहले, तो अभी कितने होंगे, 100 साल के। अभी कहता है कि एक बच्चे का और जन्म हुआ और जन्म के समय उनका एवरेज वही रह गया, तो पर्सन तो बढ़ गया ना, तो पर्सन बढ़ा तो पहले 5 लोग थे, अब कितने परिवार में हो गए, 6 लोग, तो 6 लोग है लेकिन एवरेज वही रह गया, तो 17 रह गया, तो 17 × 6 = 102, 6 परिवार मिलके 102 साल के हैं और 5 परिवार मिलके 100 साल के हैं, तो जो बच्चा है वो कितने साल का है, 2 साल का है। एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है और माँ की इस समय उम्र अपनी पुत्री की उम्र की 3 गुनी है, इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता का उम्र क्या होगा। देखिए अभी बेटी का उम्र 10 साल है और माँ का उम्र इससे 3 गुना है, तो 10 × 3 = 30, तो माँ हो गई 30 साल की और पिताजी 7 साल बड़ा है, तो 30 और 7 = 37, तो पिताजी का उम्र 37 साल है, तो 37 साल उम्र तो अभी है। पूछा जा रहा है कि बेटी के जब जन्म हुआ था उस समय उनका उम्र क्या था, तो अभी 37 साल के पिताजी हैं और उनकी बेटी का जन्म 10 साल पहले हुआ था, तभी ना उम्र उसका 10 साल हो रहा है, तो 10 साल पहले था, तो 10 साल पहले पिताजी का उम्र कितने साल का था, 27 साल का था। एक बार फिर से, बेटी का उम्र अभी 10 साल का है और माँ जो है इससे 3 गुनी है, तो 10 × 30 = 30, माँ 30 साल की है, पिताजी 7 साल बड़े हैं, तो 30 और 7 = 37, तो पिताजी अभी 37 साल के हैं और उनकी एक बेटी है जो 10 साल की है,
तो 10 साल पहले उनका उम्र पूछा जा रहा है, तो 10 साल पहले जाएंगे तो कितना साल आएगा? 27 साल आएगा। रमेश की उम्र उसकी पहली बेटी की उम्र से अनुपात 15:6 है और रमेश की पत्नी का उम्र उसकी दूसरी बेटी के उम्र से अनुपात 4:1 है। यदि रमेश की बड़ी बेटी दूसरी बेटी से 11 वर्ष बड़ी है तो परिवार की औसत आयु 37.25 है, तो रमेश की पत्नी और उसकी पहली बेटी की औसत उम्र कितना है? अब आपको इक्वेशन वाइज सॉल्व करना होगा। लिखिए पहले, यहाँ पर कह रहा है कि ये पिता हैं और ये पहली बेटी है और ये वाइफ है और ये दूसरी बेटी है, यहाँ पर कहा गया। तो देखिए, तो अगर पिताजी 15x में होंगे और पहली बेटी 6x में होंगे, अब इन्हीं से तुलना होता आगे, इन्हीं से तुलना होता आगे तो उनको एक्स में रहने देते, लेकिन उनकी तुलना नहीं किया जा रहा है बल्कि दूसरे लोगों को कह रहा है। तो इनकी वाइफ और इनकी दूसरी बेटी का उम्र है 4 और 1, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर एक्स यहाँ माने तो इनको वाई मानना होगा। अब इनका ये वाइफ का उम्र 4y है और दूसरी बेटी का उम्र केवल वाई है। अब बोला गया कि पहली बेटी दूसरी बेटी से, पहली बेटी ये हम आपको लिखने के लिए समझा रहे हैं ना, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहली बेटी दूसरी बेटी से 11 वर्ष बड़ी है, अधिक कम अंतर वृद्धि का मतलब माइनस, यानी 6x - y = 11 साल। ठीक। अब इसके अलावा यहाँ जो है औसत दिया हुआ है पूरे परिवार का, परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बेटी, तो 4 हैं। तो औसत में अभी तुरंत आपको हम समझाए हैं कि औसत में संख्या से गुना करने पर उनका कुल उम्र आ जाता है, कुल उम्र। तो हम कुल उम्र पर चलते हैं, तो अभी कुल उम्र के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पिताजी हैं 15x, पहली बेटी है 6x, वाइफ हैं 4y और दूसरी बेटी हैं y, और इन लोग सब मिल करके 37.25 हैं। तो ये औसत है, औसत में जितना संख्या है उससे गुना करने पर कुल आ जाता है। तो हम यहाँ पर 4 संख्या हैं, 4 लोग हैं, 4 संख्या हो गया, तो 4 से हम गुना करेंगे तो इनका पूरा उम्र, ये भी उनका पूरा उम्र, ये इनका पूरा उम्र और ये भी उनका पूरा उम्र। तो अगर हम x वाला जोड़ेंगे तो एक जगह, तो 15 और 6 21x प्लस 4 और 1 5y बराबर, गुना किए 149 आया। यानी हम कह सकते हैं कि 11x 5y बराबर 149 है। और मेरे पास एक और इक्वेशन है, ये बचपन में आप सॉल्व किए हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई जब सॉल्व करते हैं तो x और y का वैल्यू निकालते हैं, वही चीज़ यहाँ आपको अब करना पड़ेगा। तो आप लगाइए, तो इनका उम्र तो ठीक है ये आ गया, इनका उम्र पहले से ही पता था, लेकिन आपको पता है ना कि किसी एक को बराबर करना पड़ता है, तो किसी एक को बराबर करना पड़ता है, तो इसमें हम y को बराबर कर लेते हैं। तो y को बराबर करने के लिए कितना से गुना करें? 5 से। तो 5 से गुना करेंगे तो सब में ना होगा, हैं? तो इसमें अलग से खाली लिख लीजिएगा कि 5 से गुना करेंगे, तो 5×6 30x माइनस 5×1 5y बराबर 11×5 55। ठीक है, प्लस माइनस खत्म, प्लस प्लस जुटेगा तो 30×20 50 और 1 51x बराबर, ये भी जुटेगा तो इसको जोड़िएगा तो 9×5 14 4×5 9 और 1 10 और 1 1 1 2 हो गया 504। 51x बराबर 204, तो 51 से काटेंगे तो कई बार में 4 बार में, तो x का वैल्यू कितना ले लाए? 4 ले लाए। अब अगर आप x का वैल्यू 4 ले लाए तो अब आप सब निकाल सकते हैं, x और y एक ही जगह पर है। तो देखिए, तो x अगर 4 है और अगर मैंने यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 6x - y बराबर 11, तो ये रहा 4, तो 4×6 = 24 प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो 24 में से 11 घटाइएगा 13, वो भी माइनस में, तो माइनस y बराबर -13, माइनस माइनस खत्म, y का वैल्यू 13,
वाई का वैल्यू 13 है और एक्स का वैल्यू कितना है 4 है, और ये लोग एक्स और वाई के ही रूप में है, एक्स और वाई के ही रूप में है। तो देखिए अब हमको जो चाहिए हम उसकी बात करेंगे, हमको चाहिए पत्नी का उम्र, तो ये रहा पत्नी का उम्र, और पत्नी का उम्र किसके साथ है वाई के साथ, वाई के साथ है। तो पत्नी का अगर हम उम्र पर चलेंगे तो वाई का वैल्यू 13 है, तो 13 चौका 52, 52 साल की पत्नी है। अब हमको चाहिए दूसरी बेटी, पहली बेटी, तो पहली बेटी एक्स के साथ है, तो पहली बेटी एक्स के साथ है, तो पहली बेटी एक्स का वैल्यू कितना है 4, तो 4×6 = 24 साल की ये है। अब आपसे पूछा गया है औसत, औसत निकालने के लिए जय वो संख्या उनको जोड़िए और जितना संख्या उससे भाग मार दीजिए, तो दो संख्या है दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग मारेंगे इनका औसत आ जाएगा। तो अब आप आ जाइए औसत पर, औसत तो पहली मतलब पत्नी का उम्र कितना है 52, पहली बेटी का उम्र कितना है 24, जोड़ करके 2 से भाग मारेंगे ना तो औसत बन जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 6×5 = 7 बटा में 2 3 बार में 8 बार में, दोनों का औसत कितना 38 साल। तो इसमें बहुत सा झंझट है, ऐसे सवाल को एग्जाम में टाइम बचा तो बनाना है और नहीं तो उसको छोड़ देना है, नहीं तो उसको क्या करिएगा छोड़ दीजिएगा, क्योंकि और तो कोई उपाय दिख नहीं रहा है कि रेशियो से हम लोग काम चला लेते, रेशियो से काम चलने लायक इस जगह पे नहीं दिख रहा है। हाँ इसका सॉल्यूशन छोटा किया जा सकता है, जब आप इसको 3 से 4 बार बनाइएगा ना, तो जब आप फिर अगला बार आप बनाइएगा तो उसके बाद जब इसको सॉल्व करिएगा तो बहुत छोटा नजर आएगा, मतलब फिर भी टाइम लगेगा लेकिन इतना नहीं लगेगा जितना मैं लिखा हूँ। दो भाइयों के उम्र में अंतर 8 वर्ष है तथा योग 10 वर्ष बाद इनके पक्षों के योग दुगना हो जाएगा, तो छोटे भाई का उम्र, तो बड़ा भाई को एक्स देते हैं छोटा भाई को वाई देते हैं। इन दोनों के उम्र में अंतर 8 साल का है, यानी एक्स माइनस वाई जो है ना 8 साल है, अंतर मैंने माइनस ना बताए हैं, दो भाई हैं एगो का नाम है एक्स और दूसरे का नाम है वाई, इनका अंतर कितने साल का है 8 साल का है। तो अगर अभी ये एक्स साल के हैं तो आने वाले 10 साल में एक्स प्लस 10 होंगे, अभी ये वाई साल का है तो आने वाला 10 साल में एक्स प्लस वाई होगा, और 10 साल बाद का योग, योग मैंने जोड़ना, 10 साल बाद का योग इनके पक्षों के योग का, पक्ष मैंने अभी जो है इनके पक्षों के योग का के कि जहाँ लगा रहेगा गुना वही मानना है, पक्षों के योग का दुगना हो जाएंगे, 10 साल बाद इनका योग इनके योग का दुगना होगा, 10 साल बाद इनका योग इनके योग का दुगना होगा, गुना करिए तो ये रहा आपका एक्स प्लस वाई प्लस कितना 20, 10 और 10 20, ये वाला कितना रह गया 2x + 2y, ठीक है, एक्स वाला और वाई वाला एक साइड रखिए, तो ये देखिए तो प्लस है इधर आएगा तो माइनस, तो 2x में से x गया x, 2y में से y गया एगो वाई, ठीक है, इसको इधर रखे हैं, ये प्लस है इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा माइनस में, या फिर आप छोड़ दीजिए इसको बराबर 20 से रहने दीजिए, क्योंकि एक इक्वेशन तो हमारे पास है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो सॉल्व करने हम लोग जानते ही हैं, तो x प्लस वाई आया 20 और x माइनस वाई आया 8, प्लस माइनस खत्म, x और x 2x बराबर 28, x का वैल्यू 14, तो x का वैल्यू 14, तो 14 में कितना जोड़े कि 20 बन जाए 8, y का वैल्यू 6, छोटा भाई कितने साल का है, छोटा भाई कितने साल का है 6 साल का, नन ऑफ दिस, छोटा भाई कितने साल का है 6 साल का है, नन ऑफ दिस होगा।